नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स करंट रेशो। फर्स्ट ईयर में करंट रेशो था 2.3:1, फिर हो गया 2.4, फिर हो गया 2.5। मुझे बताएं करंट रेशो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? करंट रेशो बढ़ रहा है। करंट रेशो कब बढ़ेगा? करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो कब बढ़ेगा? या तो करंट एसेट बढ़ जाए, सही है, या तो करंट लायबिलिटी कम हो जाए, या तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, सही है। इन्वेंट्री अगर डिक्रीज होगी, करंट एसेट डिक्रीज होंगे तो करंट रेशो बढ़ेगा नहीं बल्कि डिक्रीज होगा। अदर पेबल्स इंक्रीज, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगी उससे भी करंट रेशो कम होगा। अदर रिसीवेबल एंड इंक्रीजिंग, बात सही है, अदर रिसीवेबल करंट एसेट होता है, अगर करंट एसेट बढ़ेगा तो करंट रेशो बढ़ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट अगर डिक्रीज होगा तो करंट रेशो कम होगा। तो आंसर क्या बना? सी।